दमोह जिले के जंगलों में अब प्रोफेशनल शिकारियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी। बीती रात भोपाल से पहुंचे शिकारियों ने दमोह केसी ग्रामपुर के जंगल में मंगल मनाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन दमोह जिले के वन अमले ने शिकारियों का सारा खेल बिगाड़ दिया। जबेरा वन परिक्षेत्र सिग्रामपुर के जंगलों में भोपाल से लग्जरी गाड़ी में आए शिकारी, जिन्होंने जंगल के दो जानवरों का शिकार किया, चीतल और सांभर का शिकार कर पार्टी कर रहे थे, तभी गश्त पर निकले वन अमले की नजर शिकारियों पर पड़ी। फिर क्या, सभी यहां वहां भागते जंगल से फरार होने लगे। उसी दरमियान एक शिकारी आरोपी को वन विभाग के अमले ने धर दबोचा, बाकी भागने में कामयाब रहे। एक आरोपी शिकारी और उसके पास से शिकार करने के प्रयुक्त उपकरण सहित चीतल का मांस जब्त करने में सफलता मिली। भारतीय न्यूज के लिए इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट। रात को यहां पे फायरिंग की सूचना, फायरिंग की आवाज सुनकर और टार्च जलने की रोशनी देख करके स्टाफ उधर आया तो पता चला कि सांभर का शिकार हुआ है, और सांभर के शिकार में तीन लोग वहां पे दिखे, जिसको स्टाफ ने एक आदमी को पकड़ लिया, दो जंगल में भाग गए थे रात। अब दिन में हमने घेराबंदी करी, उससे और बात कराई कौन लोग हैं, तो अभी एक गाड़ी हमने महाराष्ट्र पासिंग की है, होंडा एमेज पकड़ी है, और वो लोग यहां पे आकर हमारे रेंज अफसर की गाड़ी को टक्कर मारे और जंगल की तरफ भाग गए। अब डॉग स्क्वाड आ रही है, आगे हम उसके सर्च करें लोग जंगल पे कहाँ है। एक आदमी उनका हमारे गिरफ्त में है, आगे जांच जारी है। सर शिकार, हाँ सांभर का उनने काटा हुआ है, वो तो काट करके उसको रखा हुआ है पैकेट में, इनने वो जब्त हो गया है, और एक आदमी भी इनका हमारे कस्टडी में मिली कि जंगल में कुछ शिकारी लोग घुसे हुए हैं बंदूक लेकर और शिकार करने के उद्देश्य से घुसे हुए। तत्काल वन स्टाफ ने जाकर सर्चिंग की, सर्चिंग के दौरान RF 310 बीटानी ताल में अपन को कुछ ऐसा अंदाज़ा लगा कि यहाँ पे कुछ शिकारी लोग घुसे हों, शिकार किया है। तब वन स्टाफ ने मौके पर जाकर दबिश दी, दबिश के दौरान एक अपराधी मौके पर मिल गया और सांभर का पूरा जो सांभर का जो शिकार किया था वो सांभर का पूरा मटेरियल हम लोगों ने जब्त कर लिया। कुछ हथियार भी मिले हैं, जो काटने वाले औजार हैं वो औजार ही मिले हैं। उसके बाद मेरे सूचना मिली कि एक गाड़ी और है, गाड़ी यही आसपास कहीं घूम रही है और उसमें तीन व्यक्ति हैं, तो उसको भी हम लोग ने घेराबंदी करके और गाड़ी को TI साहब जबेरा को खबर की कि महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी है, और TI कटंगी को भी मैंने खबर की कि साइड गाड़ी गई है। तो हमारे वन स्टाफ ने उस गाड़ी का पीछा किया तो सिग्रामपुर बैरियल से फिर गाड़ी दानीताल साइड भगी, तो मेरी जो गाड़ी है रेंज ऑफिसर की, उसको गाड़ी को टक्कर मारते हुए उगरी दर्शन साइड भगी। तब यहाँ पे पीछे जो गाड़ी लगी थी तो फिर वो चालक नंबर गाड़ी नंबर MH04HN2577 ये गाड़ी है, उसको हम लोगों ने जब्त कर लिया है। बाकी मूल्यम जो है गाड़ी छोड़कर जंगल में भाग गए, जिसकी सर्चिंग की जा रही है, और जो भी आगे आगे की कार्रवाई की जाएगी तो आपको हम अवगत कराएंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.